हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर कमलेश सिसोदिया और मैं आप लोग के साथ में एक इंट्रोडक्टरी सेल बायोलॉजी का लेक्चर शेयर कर रही हूं, जिससे आपको इससे अनुमान हो जाए कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। जो पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये एक वीडियो के फॉर्म में है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी के नाम से ही बनाया है। यहाँ आप देख रहे हैं, देर आर जो हमारा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में बहुत तरह के सेल के शेप्स हैं। इन शेप्स में यहाँ आप देखेंगे कितने प्रकार के शेप्स हैं। ये जो अलग अलग शेप्स दिख रहे हैं, ये हैं बैक्टीरिया के शेप्स, अमीबा का शेप, ये देखिए आप, है ना। तो ये जो है बहुत डिफरेंट शेप्स हैं। पिरामिड्स भी इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स मिल रहे हैं, डायएटम्स की शेप है ना। तो ये डायजमिड्स, मतलब ये बहुत सारे वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट सेल शेप्स। अब हम जब हम बात कर रहे हैं, तो अब जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर भी बहुत सारे शेप्स आपको नजर आएंगे। जैसे कि ये ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, एक कोकस है, दिस इज द कोकस शेप। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज द कोकस शेप। ये डिप्लोकोकस दिखाई दे रहा है, दो कोकस एक साथ हैं। यहाँ पर ये जो है, ये है कॉर्नी बैक्टीरियम शेप, ये लाइन से लगा हुआ स्ट्रेप्टोकोकस है। ये बंच के रूप में जो पाया जाता है वो स्टेफाइलोकोकस है। यहाँ पर ये जो है बैसिलस शो किया गया है, ये स्पाइरल शेप है इसकी, है ना, ये स्पाइरोकीट है। और यहाँ पे ये विब्रियो शेप दिखाई देती है। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं जो बैक्टीरिया के अंदर दिखाई देते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। कोकस में भी हम देखते हैं कि अलग, कोकस हो या बैसिलस हो, इसके अंदर अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें हम, ये सिंगल है तो ये कोकस कहला रहा है। दो कोकस जो है मिलके डिप्लो कोकाई बनाते हैं, ये एक अंगूर के गुच्छे के समान बहुत सारे कोकस मिलके स्टेफाइलो कोकाई बनाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, ये लाइन से लगे हुए एक लीनियर अरेंजमेंट में ये स्ट्रेप्टो कोकाई है। ये जो क्यूबॉइडल फॉर्म में है ये सार्सिना है, और यहाँ ये टेट्राड फॉर्म में देखे। इसी तरह से हम इसमें अगर कोकस की जगह ये बैसिलस होता तो ये बैसिलस कहलाएगा, ये डिप्लो बैसिलस हो जाएगा, स्टेफाइलो बैसिलस हो जाएगा, स्ट्रेप्टो बैसिलस, है ना, सार्सिना और टेट्राड बैसिलस जो है वो इनके शेप्स बन जाएंगे। इसमें आप देखेंगे ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो वन सेल, एसिटाबुलेरिया सेल, इसको हम बोलते हैं एसिटाबुलेरिया सेल। ये सिंगल सेल्ड एल्गी है, और इस एल्गी में जो विशेषता है वो क्या है कि ये एल्गी में स्टॉक और उसका सर, आप देख रहे हैं एक कैप है, एक स्टॉक है और एक कैप दिखाई दे रही है। और इस पूरे एल्गी के एक सेल की जो लेंथ होगी वो 10 सेंटीमीटर के करीब आती है। अब हम देखें तो हमने क्या देखा, हमने सेल के शेप्स तो बहुत सारे देख लिए, हमने साइजेस भी देख लिए हैं, और हम ये भी जान लें कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है बैक्टीरिया का ही सेल, जो कि 0.2 से 0.5 माइक्रोन्स तक का होता है, ठीक है। जबकि जो लार्जेस्ट सेल होगा वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, जैसे कि आपको पता ही है ना, जो कि 6 इंचेस डायमीटर में होता है शेल के साथ में। और अगर उस शेल को हटा देते हैं तो वो 3 इंचेस डायमीटर होता है विदाउट शेल। तो लार्जेस्ट सेल 75,000 जो बड़ा होता है स्मॉलेस्ट सेल से, ये बहुत बड़ी बात है। फिर हमने देखा बैक्टीरियल बैक्टीरियोफेज और वायरसेस जो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो उनको हम सेलुलर बॉडीज नहीं मानते हैं, इसीलिए हम स्मॉलेस्ट सेल के अंदर बैक्टीरियल सेल को ही लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये ढेर सारी शेप्स और उसकी रेंजेस दिखाई दे रही हैं, है ना। यहाँ आप देखेंगे ये 0.1 से शुरू होते हुए 1 नैनोमीटर, ये इस तरह से बढ़ते हुए ये सेल की साइजेस दिखाई दे रही हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे ये स्मॉल स्मॉल सेल्स जो हैं वो हमको दिखाई देते हैं, तो नैनोमीटर स्केल में ये शो कर रखा है। और ये डिफरेंट सेल्स हैं जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स की सेल्स, माइटोकॉन्ड्रियल सेल है ना,
फिर ये जो है बैक्टीरिया का सेल है, प्लांट का सेल है, एनिमल का सेल है, पॉलन है, ह्यूमन एग है, फ्रॉग है, तो ये सारे के सारे जो शेप्स हैं, साइजेस हैं, ये हम इसमें देख सकते हैं और इनको मेजर करके देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये एक पिक्चर है किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द बैक्टीरिया सेल। तो यहाँ पर इसमें क्या देख पा रहे हैं, ये इसको एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे ई कोलाई का आप डायग्राम देख रहे हो, तो उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ये है, और इसके अंदर बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल है, क्योंकि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ये प्रोकैरियोट कहलाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंसेस हैं उनमें हम इन चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर ये बैक्टीरियल सेल को 3D के रूप में इसमें दिखाया गया है। यहाँ हम देखेंगे कैसा दिख रहा है ये, ये इसके अंदर निकले हुए फ्लैजिला है। ये बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये पिली होते हैं जिससे कि ये बैक्टीरिया जो है अटैच करता है। इसके अंदर ये बीच में जेनेटिक मटेरियल है ना, ये सेल वॉल हो गई, सेल वॉल हो गई है ना, फिर बाहर की तरफ जो है वो कैप्सूल होता है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होती है जिसके अंदर ये राइबोसोमल मटेरियल वगैरह ये सब अंदर की तरफ भरा रहता है। ये न्यूक्लियर रीजन है जो कि सर्कुलर DNA के फॉर्म में जाना जाता है। यहाँ आप इसको एनिमल सेल को देख सकते हैं, सॉरी प्लांट सेल है ये, दिस इज ऑल्सो प्लांट सेल। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी स्पेसेस हैं, देर आर बिग स्पेसेस है ना, वैक्यूला स्पेसेस। ये इसमें यहाँ पे आप देखेंगे ये यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल हो गया, जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड है, और ये इसके अंदर सॉरी न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोइड तो आपको बैक्टीरिया सेल में मिला, प्लांट सेल में नहीं होता। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया की शेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर्स हैं, क्लोरोप्लास्ट इसमें दिखाई देता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताया जैसे माइक्रोटिब्यूल्स के अंदर हो गए, सेल वॉल वैक्यूल है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोडेस्माटा जो कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गॉल्जी एपरेटस है, न्यूक्लियस आपने देखा, न्यूक्लियर पोर देख लिया, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख ली, न्यूक्लियोलस देख लिया, ये राइबोसोम्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो राइबोसोम्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल भी आपने देख लिया, यूकैरियोटिक सेल भी देख लिया। ये प्लांट स्ट्रक्चर को अगर हम अच्छे से कलरफुल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इस तरह का दिखाई देता है प्लांट सेल। इसी तरह से हम एनिमल सेल को, क्योंकि ये भी यूकैरियोटिक हैं, ये इनके और डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको अपन देख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्योंकि इसमें न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं तो वन सेल होते हुए भी ये कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, यूनिसेल्युलर सेल्स, और ये भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, इसके अंदर आप देख रहे हैं ये कौन सी जगह का ले लिया, जहाँ पे कि हम स्टमक जैसा एरिया है जहाँ पे माइक्रोवाइलाइट रीजन भी देखने में आ रहा है। इसको अगर हम कलरफुल स्टेज में देखना चाहें तो इस तरह से हमें दिखाई देगा एनिमल सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियोलाई भी दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। आप इसी तरह से इसमें भी पहचान सकते हैं, 3D स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो है ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये पूरा न्यूक्लियर ही कहलाएगा, क्रोमेटिन मटेरियल इसके अंदर भरा होगा। यहाँ पे ये जो है ये सेंट्रियोल हो गया, ये गॉल्जीस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गॉल्जी हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये गॉल्जी आ गया, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। साइटोप्लाज्म पूरे में भरा हुआ, राइबोसोम्स हो गए छोटे छोटे, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल और जो कि एनिमल सेल में आपने देखा। फिर ये आपने बहुत प्लांट सेल्स के अंदर इस तरह के और वैरायटी ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, ग्लोबुलर सेल्स होते हैं, ये जो है ग्लैंड सेल्स होते हैं, ग्लोबुलर रूट हेयर्स जो हैं वो सब अलग अलग तरह के सेल्स बनाते हैं। तो ये आपने देखे हैं सेल्स के टाइप्स, फंक्शंस, और जो सेल थ्योरी है उसमें हम इनको इन्हीं के बारे में बात करते हैं, हम कभी वायरस के बारे में बात नहीं करते, वो एक्सेप्शंस हैं। अब जो टॉपिक होगा वो शायद सेल मेम्ब्रेन होगा, यदि उसको इंक्लूड किया जाता है सिलेबस में, तो मैं उसको सेल मेम्ब्रेन को आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी थैंक्स।